हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अनदर मैथमेटिक्स पजल वीडियो। चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 21 प्लस 6 जिसका सम आपका इक्वल दिया गया है 15 के इक्वल दिया गया है, और आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, 25 प्लस 9 किस चीज के इक्वल होगा, ये आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फाइंड करना है। नेक्स्ट 27 प्लस 6 जिसका सम आपका इक्वल दिया गया है 147 के इक्वल दिया गया है, और लास्ट में आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 28 प्लस 4 जिसका सम आपका इक्वल दिया गया है 192 के इक्वल दिया गया है। चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड्स दे देता हूं। अगर आप इन 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल देते हैं तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 21 प्लस 6 जिसका सम आपका इक्वल होगा 27 के इक्वल होगा, और आपको यहाँ पे इक्वल दिया गया है 15 के इक्वल दिया गया है, और आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, 25 प्लस 9 जिसका सम आपका इक्वल होगा 34 के इक्वल होगा, और आपको यहीं पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क्स की जगह यहाँ पे आपका कौन सा नंबर आएगा। नेक्स्ट 27 प्लस 6 जिसका सम आपका इक्वल होगा 33 के इक्वल होगा, और आपको यहाँ पे इक्वल दिया गया है 147 के इक्वल दिया गया है, और लास्ट में आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 28 प्लस 4 जिसका सम आपका इक्वल होगा 32 के इक्वल होगा, और आपको यहाँ पे इक्वल दिया गया है 192 के इक्वल दिया गया है। अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिंपली आपके पास क्या फॉर्मूला यूज होगा, सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको करना है x माइनस वाई, और उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट नंबर के, आपको करना है यूनिट प्लेस से करना है आपको मल्टीप्लाई। यहाँ पे जो x की वैल्यूज रहेगी वो रहेगी फर्स्ट नंबर्स, एंड जो y की वैल्यू रहेगी वो रहेगी यहाँ पे आपका सेकेंड नंबर्स रहेगी। चलिए इन सभी वैल्यूज को हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको करना है x माइनस वाई, यहाँ पे जो आपका x की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 21, और जो y की वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपके पास यहाँ पे 6 रहेगी, यानी कि आपको यहाँ पे करना है 21 माइनस 6 करना है जिसका सम आपका इक्वल होगा 15 के इक्वल होगा, और आपको 15 मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट नंबर के यूनिट प्लेस से। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट नंबर रहेगा 21 और उसका यूनिट प्लेस जो कि आपका रहेगा 1, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है 15 मल्टीप्लाई 1 करना है जिसका सम आपके पास इक्वल होगा 15 के इक्वल होगा, और 15 आपको मैं स्क्रीन पे भी दिख रहा है। इसी तरह नेक्स्ट में भी आपका सेम फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको करना है x माइनस वाई करना है, यहाँ पे जो आपके पास x की वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपके पास 27 और जो y की वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपके पास यहाँ पे 6 रहेगी, यानी कि आपको माइनस करना है 27 माइनस 6 करना है जिसका सम आपके पास इक्वल होगा 21 के इक्वल होगा, और 21 मल्टीप्लाई करना है आपको फर्स्ट नंबर के यूनिट प्लेस से। यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट नंबर रहेगा वो रहेगा आपके पास 27 और उसका यूनिट प्लेस जो कि आपके पास रहेगा 7, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है 21 मल्टीप्लाई 7 करना है जिसका सम आपस इक्वल होगा 147 के इक्वल होगा, और 147 आपको अपने स्क्रीन पे भी देख रहा है। इसी तरह नेक्स्ट में भी आपका सेम फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको माइनस करना है x माइनस वाई करना है, यहाँ पे जो x की वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपके पास 28 और जो y की वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपके पास यहाँ पे 4 रहेगी, यानी कि आपको यहाँ पे माइनस करना है 28 माइनस 4 करना है जिसका सम आपके पास इक्वल होगा 24 के इक्वल होगा, और 24 मल्टीप्लाई करना है आपको फर्स्ट नंबर के यूनिट प्लेस से। यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट नंबर रहेगा वो रहेगा 28 और उसका यूनिट प्लेस जो कि आपका रहेगा 8, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है 24 मल्टीप्लाई 8 करना है जिसका सम आपके इक्वल होगा 192 के इक्वल होगा, और 192 आपको अपने स्क्रीन पे भी दिख रहा है। इसी तरह सेम फॉर्मूला का यूज करके आप क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको करना है x माइनस वाई करना है, यहाँ पे जो आपके पास x की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 25 और जो y की वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपके पास यहाँ पे 9 रहेगी, यानी कि आपको यहाँ पे करना है 25 माइनस 9 करना है जिसका सम आपके पास इक्वल होगा 16 के इक्वल होगा, और 16 मल्टीप्लाई करना आपको फर्स्ट नंबर के यूनिट प्लेस से। यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट नंबर रहेगा वो रहेगा 25 और उसका यूनिट प्लेस जो कि आपका रहेगा 5, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है 16 मल्टीप्लाई 5 करना है जिसका सम आपके पास इक्वल होगा 80 के इक्वल होगा, यानी कि जहां पे आपको क्वेश्चन मार्क्स दिख रहा है वहां पे आपके पास क्या आएगा, 80 आएगा। अगर आपने पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो फाइंड इंफॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।